नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन केला है। मैं अरविंदो अस्पताल में शिशु एवं किशोर चिकित्सा विभाग में विभागाध्यक्ष के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ये एकमात्र एक ऐसा विभाग है इस अस्पताल का जहाँ पे अत्याधुनिक डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी के साथ साथ सभी हमारे पास में उच्चतम हमारे पास में सर्विसेज और फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी हमारे यहाँ पे पिछले एक डेढ़ साल से प्रारंभ हो चुकी हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार में बताना चाहेंगे हम। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विभाग, जिसमें जन्मजात जो बच्चों में हृदय संबंधी जो भी विकार होते हैं उनका इलाज यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन से लेके इंटरवेंशंस, इको, सारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। पीडियाट्रिक मस्तिष्क रोग विभाग, इसमें हमारे यहाँ पे इंदौर के बेस्ट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट्स की टीम है जो कि हर प्रकार की मस्तिष्क रोग से जुड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। उनकी टीम में न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन भी है और ये लोग मिल करके फिजियोथेरेपी और उसके साथ बिहेवियर थेरेपी और एक बच्चे को एक पूरी केयर देने की प्रयास करते हैं। इसके बाद हमारे पास है पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग, जिसमें बच्चों में पेट संबंधी और लीवर संबंधी बीमारियों का इलाज होता है और सभी प्रोसीजर्स भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। एंडोस्कोपी रूम भी हमारे यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे हम बच्चों के सारे प्रोसीजर्स भी करते हैं। पीडियाट्रिक एंडोक्राइन क्लिनिक, जिसमें बच्चों की हार्मोन संबंधी बीमारियों का इलाज किया जाता है। पीडियाट्रिक हिमाटो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक, जिसमें कैंसर संबंधी बीमारियां और खून से संबंधित जो समस्याएं होती हैं जैसे थैलेसेमिया, सिकल, इस प्रकार की बीमारियों का इलाज भी अपने यहाँ पे उपलब्ध है। पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज क्लिनिक और टीकाकरण जो कि सामान्य और हाई रिस्क, ये सभी हम हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए राय भी देते हैं और सभी प्रकार की सेवाएं हमारे यहाँ पे दी जाती हैं। पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी क्लिनिक, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी क्लिनिक, गुर्दे संबंधित बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, जिसमें बच्चों के जन्मजात विकार हड्डियों के जो होते हैं उनका उपचार भी हमारे यहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जितनी भी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हैं उनका हम पूरी तरीके से सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके बच्चा जो कि 18 साल से कम है उसको कोई भी समस्या है तो उसका समाधान एक ही छत के नीचे होना संभव है। अगर आपका बच्चा ठीक से बढ़ नहीं रहा है, अगर उसको खून संबंधी बीमारी है, अगर उसको झटके आते हैं, अगर उसका विकास नहीं हो रहा है, अगर आपको ये लगता है कि वो बहुत छोटा है या उसको बहुत ज़्यादा मोटापा है, अगर आपको लगता है कि वो बार बार बीमार पड़ता है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो ठीक से पनप नहीं पा रहा है, अगर आपको ये लगता है कि आपका जो नवजात बच्चा है वो समय से पहले हुआ है या कम वजन का हुआ है या उसको सांस लेने में कोई भी समस्या है, तो हमारे अस्पताल में बेस्ट ऑफ आईसीयू सेवाओं के साथ, न्यूनतम दरों के साथ, बहुत ही किफायती दरों में आपके बच्चे का इलाज यहाँ पर संभव है। इसके बाद हमारे पास जो आईसीयूज हैं, 20 बेड्स का हमारे पास में पीआईसीयू है और 20 बेड का हमारे पास एनआईसीयू है। इसमें सारी की सारी अत्याधुनिक हमारे पास में सेवाएं उपलब्ध हैं। अब हम आपको ले चलते हैं हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू में, जिसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारा पीडियाट्रिक आईसीयू दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है मेन आईसीयू, जिसमें हमारे पास 15 बेड्स अवेलेबल हैं, और दूसरा है पीडियाट्रिक एचडीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जिसको आसान शब्दों में हम पीडियाट्रिक स्टेप डाउन आईसीयू भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास 8 बेड्स अवेलेबल हैं। पीडियाट्रिक मेन आईसीयू में हमारे पास इन 15 बेड्स के साथ साथ हर बेड पे एक मॉनिटर अवेलेबल है जिसको हम सेंट्रल स्टेशन के साथ जोड़ चुके हैं, जिससे कि डॉक्टर सेंट्रल स्टेशन पे ही सारे पेशेंट्स को बैठे बैठे मॉनिटर कर सकता है। उसके साथ साथ हमारे पास सारी अत्याधुनिक फैसिलिटीज हैं, जैसे कि हमारे पास हाई एंड वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास बेड साइड अल्ट्रासोनोग्राफी और इको की मशीन है, जिसके द्वारा जिस पेशेंट को जब इको सोनोग्राफी की जरूरत होती है, एनआईसीयू हो या पीआईसीयू हो, उसको वो सुविधा प्रदान की जा सकती है। हमारे आईसीयू में डायलिसिस की सेवा भी है। जो पेशेंट्स किडनी की बीमारी के साथ आते हैं, जिनको डायलिसिस की जरूरत होती है, उनकी इस आईसीयू में बेड साइड डायलिसिस अवेलेबल है। दो आइसोलेशन रूम्स हमारे पास अवेलेबल है,
जिन बच्चों को बाकी पेशेंट से अलग रखने की आवश्यकता होती है, जैसे डिप्थेरिया की बीमारी हो गई या ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई या स्वाइन फ्लू की बीमारी हो गई, तो उन पेशेंट्स को हम आइसोलेशन रूम में रखते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एक काउंसलिंग रूम है जहाँ पे पेशेंट्स के राउंड्स होने के बाद में डॉक्टर्स बैठ करके सारे पेशेंट्स को डेली उन रिलेटिव्स को उसकी रिपोर्ट देते हैं। पीडियाट्रिक एचडीयू एक ऐसा हमारा हिस्सा है जिसको हमने डेवलप किया है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जहाँ पे हमारा पीडियाट्रिक ईईजी रूम अवेलेबल है, जहाँ पे हम पैदा हुए से तो 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके हम ईईजी, ईएमजी, एनसीवी ये सारी न्यूरो की इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस हम बेड साइड भी करते हैं आईसीयू के पेशेंट्स के लिए। और पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी रूम भी हमने एचडीयू में डेवलप किया है, जहाँ पे हमारे विशेषज्ञ जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो बच्चों की एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी ये सारी इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा आईसीयू के बाहर हमारे पास में नेबुलाइजेशन रूम है। जो पेशेंट्स ओपीडी बेसिस पे आते हैं जिनको नेबुलाइजेशन की जरूरत होती है, उनको हम बाकी पेशेंट्स के साथ मिक्स न करते हुए इन्फेक्शन के डर से हम उनको वहाँ पे नेबुलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम हमारे यहाँ पे है, उसमें जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं जिनको स्पेशल ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है उनको वहीं पे उस ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम में ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। अब हम पीडियाट्रिक ओपीडी पे जा रहे हैं। ये पीडियाट्रिक ओपीडी, पीडियाट्रिक मतलब शिशु एवं किशोर चिकित्सा विभाग की ओपीडी है। यहाँ पर डेली हम 70 से 100 की क्षमता में हमारे यहाँ पे डेली में बच्चे आते हैं, जो कि नवजात से लेकर 18 साल तक के बच्चों का डेली यहाँ पे चेकअप किया जाता है। इस ओपीडी में जनरल ओपीडी भी है और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी क्लिनिक्स भी हमारे यहाँ पे चलाए जाते हैं। यहाँ पे डेली पेशेंट्स का चेकअप किया जाता है और विशेष सेवाएं उनको चेकअप के बाद में, जैसे टीकाकरण है और अगर कोई स्पेशलिटी डॉक्टर की अगर राय की जरूरत होती है तो उनके पास भी उनको निर्देशित किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को एडमिशन की जरूरत होती है तो हमारे 120 पलंग वाले वार्ड्स हैं जहाँ पर हम उनको एडमिट करते हैं। हमारी ओपीडी में अलग अलग एरियाज हैं, जैसे कि हमारे पास बच्चों के खेलने के लिए प्ले जोन है। जो बच्चे ओपीडी में आते हैं जिनको हमने खिलौने वगैरह वहाँ पे रखे हैं वो वहाँ पे खेल सकते हैं। वी हैव ब्रेस्ट फीडिंग एरिया, जिन माओं को दूध पिलाना हो उस कमरे में वो बच्चे को दूध पिला सकती हैं। कुछ कक्ष हैं जहाँ पे जनरल ओपीडी देखी जाती है और कुछ कक्ष हैं जहाँ पे हमारी स्पेशलिटी क्लिनिक्स चलती हैं। स्पेशलिटी क्लिनिक्स हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क रोग क्लिनिक, पीडियाट्रिक ऑर्थो ओपीडी, हड्डी रोग विभाग, पीडियाट्रिक एंडोक्राइन हॉर्मोन संबंधी क्लिनिक, पीडियाट्रिक हिमैट ऑनको खून संबंधी बीमारी की क्लिनिक, पीडियाट्रिक हाई रिस्क और चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक, पीडियाट्रिक सर्जरी क्लिनिक भी हमारे ओपीडी में चलाई जाती है। यहाँ पे बच्चों के सर्जरी के डॉक्टर यहाँ पे यूरो सर्जरी एवं नॉर्मल सर्जरी की ओपीडी भी यहाँ पे चलाते हैं। पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी भी हमारे ओपीडी में चलाई जाती है। इसके अलावा हमारे ओपीडी में टीकाकरण की सुविधाएं हैं, जो कि डेली टीकाकरण हमारे यहाँ पे रूटीन एवं स्पेशल टीकाकरण सभी प्रकार की फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है।